वीरेंद्र सिंह जी भारत समाचार से। वीरेंद्र सिंह जी थोड़ा सा शांति बनाए रखें, समय कम है क्योंकि दोनों आदरणीय नेताओं को आज दिन भर जो कैंपेन लगा हुआ है, मीटिंगें लगी हुई हैं। मेरा सवाल अखिलेश जी से है कि उत्तर प्रदेश में एक चर्चा जो आप लोगों ने चलाई थी कि आरक्षण और संविधान को लेकर, इसको लेकर काफी नीचे तक चर्चा चलाने में आप लोग तो कामयाब हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि पीडीए को लेकर आपने एक अभियान शुरू किया था, लेकिन इन सब के बीच में कुछ जगहों पर मायावती ऐसे प्रत्याशी खड़े कर रही जहां आपके काफ़ी जो है परेशानी आपके लिए पैदा हो रही, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि वो भी भाजपा से भी इस गठबंधन को लड़ना पड़ रहा है यूपी में, और मायावती से भी लड़ना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए और इस मौके पर आदरणीय मल्लिका खड़गे जी भी हैं, मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें, जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। श्री कुमार अभिषेक जी आज तक सर, मेरा सवाल खड़गे साहब से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 400 पार, कल अमित शाह जी ने कहा है कि चार चरणों में हम 270 क्रॉस कर चुके हैं। अखिलेश जी ने अभी 140 कहा, राहुल जी ने 150 कहा है बीजेपी के लिए। आप बीजेपी को कहां तक देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आप कहां तक देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को सवाल एक सर और है इसमें, अगर आप दे सकें एक प्रश्न पूछें, जोड़ देता हूं अलग सा सवाल। जल्दी जल्दी सर, स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, आपने जो पहला प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं ये देता हूं कि मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है, हम खुशकिस्मत हैं, वो 600 पार बोले नहीं, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट की संख्या है 543 है, 543। तो इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम वो 600 पार नहीं बोले, ताकि पूरे हिंदुस्तान का गरिमा खत्म हो जाएगा और क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो। और दूसरी चीज, मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार, 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते। और अब शाह बोल रहे हैं, शाह पहले नहीं बोलते थे, लेकिन बड़े बड़े अखबारों में उनके ऐसे आ रहे हैं कि प्रश्न उत्तर, मैं देखा हर पेपर में, देखा हिंदी पेपर में भी देखा, इंग्लिश में देखा, कन्नड़ा में देखा, बड़े बड़े उनके जो प्रश्न और उत्तर क्या पहले ही थे क्या बनाए हुए थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ठीक है, उनका जो कहना है कहते। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज़्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ANI से उस्मान जी। खड़गे साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि अपने भाषणों में मंगल सूत्र, मटन और मुस्लिम का जिक्र किया, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री से इसी पे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान में कभी फ़र्क नहीं किया, और ये तक कहा कि ईद का जो त्यौहार है वो हम मनाते हैं, उस दिन हमारे घर में खाना नहीं पकता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही कि हम इतने उससे कहते हैं, और आप वो कहा कि कहीं पे भी भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। जी मुझे मैं नहीं बोले सो शब्द है, ये शब्द तो उनके हैं, आप तुलना कीजिए क्या उन्होंने बोला क्या नहीं, मटन, बीफ, चिकन, मछली और मंगल सूत्र, ये सारी चीजें शारीरिक शब्द मेरे हैं या उनके हैं?
आप तो खैर सभी पत्रकार हैं और सभी लोगों जानते हैं, तो मैं बोलता हूँ ऐसी चीजें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो। तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है जनता को बताओ, वो बताकर वोट लो। अब हम बता रहे, भाई हमने हमारे वक्त मनरेगा किए, आरटीई किए, आरटीए किए, ये सारी फूड सिक्योरिटी एक्ट किए, हेल्थ जो अपने ग्रामीण हेल्थ का हमने प्रोग्राम किए, ये हम बोल सकते हैं। तुम वैसे बोलकर अगर आए तो उसको कुछ वैल्यू होता है। मटन चिकन की बात उन्होंने करे, हम नहीं करे, उसको हम जवाब दे रहे। पीटीए से भाई काजी फराज जी। पीटीआई अमर उजाला। चाहिए बीजेपी को, और क्योंकि वो संविधान और आरक्षण को कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान चेंज करना चाहते हैं, बट बीजेपी लगातार कह रही कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है आप लोगों का उनके खिलाफ, और वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और एक सवाल खड़गे सर आपसे भी है कि कास्ट बेस जो सेंसस की बात चल रही है, राहुल जी ने भी बोला है, बीजेपी ये कह रही है कि यू वॉन्ट टू डिवाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट्स वाई यू आर टॉकिंग अबाउट कास्ट बेस्ड सेंसस। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कौन करेगा? ये क्या कब क्या कर दें? किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? अग्नि व्यवस्था की इन्होंने? किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? नोटबंदी की इन्होंने? किसी को पता था और इन्होंने भरोसा दिलाया था कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार सुधर जाएगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा? क्या व्यापारियों को नहीं उलझा दिया? इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे थे, न केवल उन्होंने दिया बल्कि उनके सांसदों का सुनिए, जो मेरठ से उनके प्रत्याशी थे, वो यही कह रहे थे कि 400 इसलिए जरूरी है कि संविधान में कुछ परिवर्तन लाना है। अयोध्या के जो उनके प्रत्याशी थे वो भी यही कह रहे थे कि संविधान में बदलना है, संविधान में कुछ संशोधन करना है, इसलिए हमें 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए। और देश के अलग अलग कोने से ये बात आई है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि पूरा देश एक रंग में रंग दे। ये मिली जुली संस्कृति, ये हमारे भाईचारे का देश, ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब का देश, इसको ये एक रंग में लाना चाहते हैं, वो हमारे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अमर उजाला अजीत जी। नहीं, ये जो 400 पार का नारा अभी आया और आपने भी पूछा, उसका उत्तर तो आपको मिला, लेकिन मैं यही कहूँगा 400 पार का नारा जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आरक्षण पर वार करने के लिए, खत्म करने के लिए ये दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें झगड़े की बात, डिवीजन की क्या बात है? आरक्षण तो पहले से है, अब बैकवर्ड्स को भी दिए हैं, अब बढ़ाने का है, उसीलिए तो हम बोले कि मोर देन 50% will extend it, जैसा कि अब तमिलनाडु में हुआ 69% है। तो हम एक तो 50% से ज़्यादा आरक्षण देंगे, और दूसरा अब जो आरक्षण है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लड़ रहे हैं सब मिलकर। अमर उजाला से अजीत जी। ये देखिए, सिर्फ रिजर्वेशन बचाने के लिए नहीं है, ये एक मुद्दा है कि रिजर्वेशन का एक मुद्दा है अलग, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ बचेंगे? आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ रहेगा? आपको भी जेल में डाल रहे हैं, हमको तो छोड़िए पॉलिटिकली डाल रहे हैं। आप अगर ठीक बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये सब चले जाएगा ना, इसीलिए हम ये बात कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन की बात एक मुद्दा है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी है उसको बचाना एक है, आरक्षण बचाना अलग है, और उसी के साथ
जो हमारे को ये प्रॉपर्टी राइट्स है सब ये है, ये सब संविधान में है, उसकी भी रक्षा उसमें होती है। इन्होंने जो अलग अलग तोड़ फोड़ के जो बोल रहे हैं, ये लोगों को डिवाइड करने के लिए वो खुद बोल रहे हैं, ये सबको मालूम है। दैनिक जागरण, मनोज त्रिपाठी जी। क्या गणित किससे पूछ रहे हैं आप? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। हमारी दोस्ती ऐसी चलती है, दोस्त बनाते हैं हम लोग, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदुस्तान, अजीत खरे जी। ओझा जी। मेरा सवाल खड़गे साहब से है, कांग्रेस का जो न्याय पत्र है यही गठबंधन का, क्या माना जाए कि गठबंधन का भी यही घोषणा पत्र है या संयोजन? जो आपका न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वह क्या जो आपके सभी सहयोगी दल हैं सबका वही घोषणा पत्र है या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे आप लोग? अब देखिए, ये तो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकाल दी, इसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुन के आने के बाद सब मिलके बनाते हैं भाई इसमें से कौन से मुद्दों को पहले हम आगे लेना, तो वो बाद में तय हो जाएगा। पहला हमको तुम ये पूरा गठबंधन को मदद करो आप जरा। अखिलेश जी सहमत हैं क्या? चीजें सॉल्व करेंगे। अखिलेश जी सहमत हैं कि न्यायपद से? क्या चीज? आप इनके न्यायपद से सहमत हैं पूरी तरह? देखिए, जो आपका मैनिफेस्टो न्याय पत्र है या जो हमारे सुझाव है जनता के बीच में, जो विजन डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए जातीय गणना पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब साथ हैं। मान लीजिए हम जनता में ये कह रहे थे कि आटा और डाटा फ्री मिलेगा, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि, और इन्होंने पहले से फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, राशन में सुधार लाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो हमारे इनमें फ़र्क क्या है? हम जो बेस्ट दे सकते हैं जनता को वो हम मिल करके देंगे। चलिए साथियों, का समय कम है। मौसमी जी। सर एक सवाल बस ले रहा हूं। एक मौसमी जी, एक सवाल कर लेते, पूछ लेते हैं आप एक, थोड़ा शांति बस। एक सर, हाँ जी सर, एक मिनट मौसमी जी, एक मिनट रुक जाइए, उनका प्रश्न एक मिनट जी, लेकिन थोड़ा सा अगर क्रमबद्ध तरीके से चलें तो समय कम। पूछिए मौसमी जी। नमस्कार सर, मेरा सवाल छोटा छोटा है खड़गे साहब से भी और अखिलेश जी से भी। खड़गे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक वोटर्स में मायूसी देखने को मिल रही है, वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, क्या आपको लगता है कि कौन सा वोटर घर पे बैठा है? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यूथ बाहर नहीं निकल रहा, जो राम मंदिर के दौरान 3 दिन आगे पीछे बाहर सड़कों पर दिखा था, तो कौन सा वोटर घर बैठ गया? क्या 400 का नारा बैकफायर किया है? खड़गे साहब से ये सवाल है। और अखिलेश जी आपसे सवाल ये है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे, तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल कर रही हूं, उसमें भी कोई नहीं बताएं, हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब मैं आखिरी एक है मिस्टर राजीव सिंह। अविनाश जी, खड़गे साहब से पूछना चाहते हैं, 400 का क्या नारा बैकफायर कर गया है बीजेपी के? अखिलेश जी ने जवाब नहीं दिया खड़गे साहब से कि 400 का नारा क्या बैकफायर कर गया है बीजेपी के लिए? जो कम वोट प्रतिशत है वो किसका वोटर घर बैठा है? देखिए, वोटर किसका है तो अभी हम उसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये आप युवा पूरे नाराज है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बेरोजगारी का ये है मुद्दा है, इसीलिए बहुत से युवा जो उनके आगे पीछे पहले फिरते थे अब कम इसलिए हुए कि उन्होंने जो वायदे किए थे चलिए अब उन्होंने कभी नहीं निभाए।
शांति जी आप अरे कोई नहीं डराएगा किसी को। खरगे जी आखिरी प्रश्न खरगे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो राम मंदिर का फैसला बदलना चाहते हैं। अरे यार आपका प्रश्न बोलिए ना, प्रश्न बोलिए आपका। खरगे जी आप प्रश्न एक मिनट शांत जी, ऐसा मीटिंग ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब मत करिए भाई, खराब माहौल खराब मत, सब लोग शांति, आप भी शांति से बैठिए। आपका प्रश्न पूछिए जल्दी, प्रश्न पूछिए। खरगे जी मेरा सवाल है आपसे कि एक मिनट उनका प्रश्न है। खरगे जी प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो चाह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला बदल दिया जाए, इसको किस तरीके से देखती है पार्टी, का क्या स्टैंड है इस पे? जी हाँ सर, सर एक एक प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न काफी हो चुके हैं और सर, निकलना होगा। ये प्रश्न का उत्तर अखिलेश जी बाकी लोग शांति से सुने प्लीज। सर न्यूज 18 से एक है खड़गे जी, ये हमारे दोनों इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में है कि जिन नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए वो नौकरी दी जाएंगी। ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी है, समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में भी है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनको भरा जाएगा, प्राथमिकता पे नौजवानों को नौकरी मिलेगी। बस साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।